वेलकम टू एस कैंडिडेट सर। यस कैंडिडेट सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यदि अगर घन को क्या कर दिया जाए, कलर कर दिया जाए, जैसे हमारा ये घन है इसको हम कलर कर दें तो कैसे इस पे जो इस पे क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आइए वो पॉइंट को हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट 100% करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। कौन ऐसे पॉइंट्स हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे यही पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए घन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। पहला क्या पॉइंट है, कुल एक सतह रंगीन घनों की संख्या। इसको अगर ज्ञात करना हो तो क्या हमारा फार्मूला है जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो उसको हम बताते हैं। जब ये कहेगा तो आप लोगों ने एक सतह वाला का सूत्र पढ़ा होगा, ए स्क्वायर ए माइनस टू का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा, गुणे में सतहों की संख्या। ये आपको लिखना पड़ेगा, यानी जितने सतह होंगी उतनी संख्या लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कुल दो सतह रंगीन घनों की संख्या, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए क्या सूत्र है, ए माइनस टू, उसके बाद गुणे में क्या रहेगा, कुल नहीं कोरों की संख्या। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा पॉइंट का ऐसे ज्ञात करेंगे। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद अगर पूछ लिए तीन सतह रंगीन घनों की संख्या, तो अगर तीन सतह रंगीन घनों की संख्या पूछे तो हमेशा कितना रहेगा, एट, यानी आठ रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद पूछ रहा है हमसे आखिरी में पॉइंट नंबर फोर क्या है, रंगीन घनों की संख्या। अगर हमें ये ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमारा क्या सूत्र है, ए माइनस टू का होल क्यू। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अगर पूछ लिया कुल छोटे घनों की संख्या, क्या पूछ लिया, कुल छोटे घनों की संख्या, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी हमें कुल छोटे घनों की संख्या यानी एन क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो पहले एन क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या होता है, एन बराबर एल वन बटे में एल टू, यानी ये क्या है, बड़े, क्या कहते हैं, बड़े घनों की संख्या। उसके बाद ये है छोटे घनों की संख्या, सतहों की संख्या, सॉरी, ये बड़े सतहों की संख्या है, ये छोटे सतहों की संख्या है। ठीक फ्रेंड्स, तो इससे हम ज्ञात कर लेंगे। अभी हमने पहले फार्मूले में बताया था तो इसको वैसे भी ध्यान रख लिया जाता है। ठीक फ्रेंड, तो अगर पूछ लिया कुल छोटे घनों की संख्या तो क्या है, एन का क्यूब कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आइए अब इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, एक 35 सेंटीमीटर के बड़े घन को 5-5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, विभाजन से पूर्व, यानी विभाजन से पहले, यानी काटने से पहले बड़े घन को लाल रंग से, किससे, लाल रंग से पेंट किया जाता है। तो बताइए कुल छोटे घनों की संख्या, कुल एक सतह रंगीन घनों की संख्या, कुल दो सतह रंगीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या, यही हमसे चार क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। एक 35 सेंटीमीटर के बड़े घन को 5-5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, विभाजन से पूर्व बड़े घन को लाल रंग से पेंट किया जाता है, तो कुल छोटे घनों की संख्या बताइए, कुल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, कुल दो सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, रंगहीन घनों की संख्या बताइए, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या। तो क्या करेंगे हम, पहले इसमें से पहले n निकालेंगे, तो n निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये जो 5-5 सेंटीमीटर यानी पूरा बड़े घन की संख्या सतह कितनी है, 35, और छोटे घन 5 है, तो इसे निकालेंगे तो 5 7 35, यानी
एन की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो इसमें अब देखिए कुल छोटे घनों की संख्या में क्या करना है, हमें एन का क्यूब करना है। तो एन की वैल्यू 7 आ गई, तो अगर हम क्यूब करना है सॉरी हाँ क्यूब करना है, तो अगर देखिए एन की वैल्यू यहाँ से 7 आई, तो अब क्या करेंगे हम 7 को क्यूब कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 343, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक फ्रेंड, उसके बाद अब क्या पूछ रहा है, कुल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, कुल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो इसका क्या सूत्र होता है, ए माइनस टू का होल स्क्वायर गुणे में सतहें कितनी है 6, कितनी सतह है 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे एन की ये एन है अब एन की वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे, तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचा, 5 का क्यूब गुणे में 6, ये हो गया। उसके बाद जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25, इसका स्क्वायर करेंगे बटे में 6 सॉरी गुणे में 6 हो जाएगा। तो 6 का 25 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, छक्का क्या होता है 150 होता है, कितना होता है 150, 150 होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो यही हमारा आ गया कुल एक सतह रंगीन घनों की संख्या आ गया। अब पूछ रहा है कुल दो सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसका सूत्र क्या होता है ए यानी एन माइनस टू होता है, क्या होता है उसके बाद क्या है देखिए, पहले हमने क्या लिखाया था कोरों की संख्या, तो कोर कितने हैं इसमें 12 हैं, कितने हैं 12 हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अब यहाँ एन का मान रखेंगे, तो एन का मान क्या है 7 है, कितना है 7 माइनस टू अब गुणे में 12। अब इसको काटेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, अब 12 पंजे क्या होता है 60 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया कुल दो सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, यही हमारा इसका आंसर नंबर 2 यहाँ पे है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अब पूछ रहा है रंगहीन घनों की संख्या बताइए, रंगहीन घनों की संख्या बताइए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो जब कह दे रंगहीन घनों की संख्या तो क्या करेंगे n माइनस टू का होल क्यूब है, तो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ n रखेंगे, तो n की जगह पे 7 यानी 7 माइनस टू इसको करेंगे क्यूब। तो अब देखिए 7 में से 2 जाएगा 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होता है बताइए 125 होता है, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक फ्रेंड, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, अब देखते हैं इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक 40 सेंटीमीटर के बड़े घन को 5-5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया गया, विभाजन के पूर्व बड़े घन को किसी दो विपरीत सतह पर लाल रंग और अन्य दो विपरीत सतह पर हरा रंग से सतह पर काला रंग है, तो बताइए कुल छोटे घनों की संख्या, कुल एक सतह रंगीन घनों की संख्या, कुल दो सतह रंगीन घनों की संख्या, यही हमसे पूछ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर हमें पहले क्या करें, हमें एन की वैल्यू निकालें, तो एन की वैल्यू क्या होता है 40/5, यानी ये बड़े घनों की सतहों की संख्या और छोटे सतहों की संख्या, तो 5×8=40 हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू 40। अगर हमें छोटे घनों की संख्या निकालना है तो एन का क्यूब करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम 8 का क्यूब कर देंगे, तो 8 क्या आ जाएगा 512 आ जाएगा। उसके बाद कुल एक सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, एन माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। तो अब देखिए ये एन की वैल्यू 8 है, तो एन 8 में से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर गुणे में 6, तो अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 36 गुणे में 6 यानी क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। उसके बाद अगर पूछ लिया कुल दो सतह रंगीन घनों की संख्या, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एन माइनस टू का मल्टीप्लाई 12। तो अब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू 8 है, तो 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, तो 6 गुणे में 12 यानी क्या आ गया 72 आ गया, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल के वीडियो में हम देखेंगे अपना कि अगर एक सतह पे काला रहे, एक सतह पे पीला रहे, एक सतह पे हरा रहे, तो अगर काले घन की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, लाल घन की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो कल का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।